ऐसा कोई अमीर नहीं है जो अपने बीते हुए वक्त को फिर से खरीद सके, और ऐसा कोई गरीब नहीं है जो अपने आने वाले वक्त को बदल ना सके। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें? जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 8:42 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 5:27 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 11:14 तक। राहु काल का समय जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात वृष राशि की, शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात मिथुन राशि की, बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, परिवार की समस्या हल होगी, धन आसानी से मिलेगा, दुर्घटनाओं से बचाव करना होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा और इसके बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, नौकरी का कोई नया अवसर मिलेगा, पुराने मित्र से आपको मदद मिलेगी, धन की हानि आपकी हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन का खर्च काफी बढ़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति आसानी से होगी, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग
कौन सा है? मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, धन की समस्या आपकी हल होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा बैंगनी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई यात्रा आपकी हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।